ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं विद्यार्थियों हम कक्षा दशम का अध्याय चार अभी अच्छा प्रसन्न का अध्ययन कर रहे हैं। हम आज आपको नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है अतिक्रम क्या है इसे समझाएंगे। प्रतिजन क्या है इसे विस्तार से समझाइए। देखिएगा प्रतिजन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि प्रतिजन एक बाह्य कारक होता है, एक रोगाणु होता है जो शरीर में प्रवेश होता है। इसका जो आणविक भार होता है वो 6000 डाल्टन या उससे भी अधिक माना जाता है। आणविक भार 6000 डाल्टन या उससे भी अधिक माना जाता है। जब ये जो प्रतिजन होते हैं ये लगभग प्रोटीन मतलब कई तरह के रासायनिक संगठनों से मिलकर बने होते हैं, जैसे प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, और तुम्हारे क्या होते हैं लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इन सब से मिलकर बने होते हैं। तो प्रतिजन एक तरह से एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा कारक होता है जो बाहर से शरीर के अंदर प्रविष्ट होता है और प्रविष्ट होकर उस मनुष्य को उस व्यक्ति को रोग ग्रस्त कर देता है। के बारे में आप हम लिखेंगे तो आप लिखें साधारण रूप से ये प्रतिजन बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ होते हैं, बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ होते हैं जिनका आणविक द्रव्यमान 6000 डाल्टन या उससे भी अधिक होता है। आणविक द्रव्यमान या आणविक भार 6000 डाल्टन या उससे भी अधिक होता है। ये अलग अलग रासायनिक संगठनों के हो सकते हैं। ये अलग अलग रासायनिक संगठनों के हो सकते हैं जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल,
या न्यूक्लिक अम्ल है, ये अलग अलग रासायनिक संरचनाओं में हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड है, लिपिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, ये सभी। कभी कभी क्या होता है कि बाहर ये कारक होता है रोगाणु प्रतिजन जो है, लेकिन कभी कभी हमारे शरीर की जो कुछ कोशिकाएं होती हैं या कुछ जो पदार्थ होते हैं वो स्वयं प्रतिजन का कार्य करते हैं। जैसे कैंसर कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में ही होती है, वो भी क्या होती है प्रतिजन का कार्य करती है, रोगाणु के रूप में शरीर हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे हम कभी 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 शरीर के अंदर कभी कभी शरीर के अंदर के पदार्थ कभी कभी शरीर के अंदर के पदार्थ तथा कोशिकाएं शरीर के अंदर के पदार्थ तथा कोशिकाएं जैसे विषाणु संक्रमण या कैंसर ग्रसित कोशिकाएं कभी कभी शरीर के अंदर के पदार्थ तथा कोशिकाएं जैसे विषाणु संक्रमण या कैंसर ग्रसित जो कोशिकाएं होती है वे भी प्रतिजन भी कभी कभी शरीर के अंदर के पदार्थ तथा कोशिकाएं कौन से अंदर के पदार्थ कौन सी कोशिकाएं जैसे विषाणु संक्रमण है या कैंसर ग्रसित जो कोशिकाएं हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी प्रतिजन की तरह ही कार्य करती हैं, प्रतिजन की तरह कार्य करती हैं। इसके अलावा ऊपर लिखेंगे हम ये विटामिन है, उन्हें ध्यान दे लो आप क्या कह रहे हैं। प्रतिजन एक बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ होता है क्योंकि बाहर से शरीर में प्रवेश होता है, जिनका आणविक द्रव्यमान कितना होता है 6000 डाल्टन, 6000 डाल्टन या उससे भी अधिक होता है आणविक द्रव्यमान प्रतिजन का। ये अलग अलग रासायनिक संगठनों के हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन के, पॉलीसैकेराइड के, लिपिड के या न्यूक्लिक अम्ल के, ठीक है। कभी कभी शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं या पदार्थ होते हैं वो भी प्रतिजन की तरह कार्य करते हैं हमारे शरीर में। आप सब जानते हैं कैंसर ग्रसित जो कोशिकाएं होती हैं, ये कैंसर ग्रसित कोशिकाएं हमारे शरीर में ही ऑटोमेटिक स्वतः ही उत्पन्न होती हैं, स्वतः ही बनती हैं। तो ये कभी कभी हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं भी प्रतिजन की तरह कार्य करती हैं। इससे आगे जब शरीर के अंदर जब ये प्रतिजन प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र होता है उससे इसकी मुलाकात होती है, उसके बारे में हम लिखेंगे। देखिएगा अगला पॉइंट इसी में हमें डालना है। प्रतिजन जब शरीर के अंदर प्रवेश होता है तो सबसे पहले उसका स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा होता है या प्रतिरक्षी जो विधि होती है उनसे मुलाकात होगी या उनका सामना होता है। उसके बाद वो विशिष्ट प्रतिरक्षा के साथ सक्रिय होता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि सबसे पहले जो प्रतिजन हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है तो प्रविष्ट होने के बाद सबसे पहले उसका जो सामना होगा वो होगा स्वाभाविक प्रतिरक्षी विधियों से। स्वाभाविक आपको दो प्रकार के प्रतिरक्षा विधियां बताई मैंने, तो स्वाभाविक और एक बताई थी विशिष्ट, विशिष्ट को उपार्जन भी कहा था हमने। तो सबसे पहले प्रतिजन जो होता है जब शरीर के अंदर प्रविष्ट होगा तो सबसे पहले उसका सामना होता है स्वाभाविक या सामान्य प्रतिरक्षा विधि के साथ, उसके बाद फिर विशिष्ट यानी उपार्जन के साथ उसका सामना होगा, वहां जाकर वो सक्रिय
प्रक्रिया होती है। तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले को शरीर में प्रवेश होने के बाद शरीर में प्रवेश होने के बाद प्रतिजन का सामना सर्वप्रथम स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के साथ होता है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि से या विधि के साथ होता है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के साथ होता है। इसके बाद इसके बाद जब स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के साथ उसका सामना हो जाता है तो उसके बाद प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि को सक्रिय करता है। इसके बाद प्रतिजन जो बाह्य या विशिष्ट है जो प्रतिरक्षा विधि होती है इसके बाद प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि इसके बाद प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि को सक्रिय करता है इसको सक्रिय करेगा विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि को सक्रिय करता है। अब आपको बता दें हम जब प्रतिजन शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाता है तो शरीर के अंदर और स्वतः ही प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। प्रतिरक्षी और प्रतिजन के मध्य अभिक्रिया होगी तो आप देखें प्रतिजन है विशिष्ट प्रतिरक्षी से संयोजित होकर प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी से संयोजित होकर प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करता है। प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करता है। प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता। प्रतिरक्षी से
प्रतिक्रिया नहीं करता, प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता, वरन इसका कुछ विशिष्ट जो भाग होता है वही प्रतिरक्षी के साथ जुड़ता है। ये जो जुड़ने वाले अंश होते हैं वो एंटीजन निर्धारक के नाम से जाने जाते हैं। वरन इसके कुछ विशिष्ट अंश इसके कुछ विशिष्ट अंश ही इसके कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं। प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं, इसके कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं। कुछ विशिष्ट अंश ही, मतलब पूरा अणु नहीं जुड़ता, केवल विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी के साथ जुड़ते हैं। इन अंशों को एंटीजन निर्धारक कहते हैं। ये जो जुड़ने वाले अंश होते हैं इनको, इन अंशों को एंटीजनी निर्धारक, एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। इन अंशों को क्या कहेंगे? एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। इन अंशों को क्या कहेंगे? एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। ये जो एंटीजन निर्धारक होते हैं ये इनकी संयोजकता को भी निर्धारित करते हैं। आगे लिखेंगे हम, आगे पहले इसको थोड़ा सुनो। शरीर में जब प्रवेश होने के बाद प्रतिजन का सामना सबसे पहले किससे होता है? स्वाभाविक प्रतिरक्षी के साथ। जब स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि से इसका सामना होता है तो उसके बाद क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के साथ ये सक्रिय होता है। विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के साथ जब ये सक्रिय होता है तो ये संयोजित हो जाता है और प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करता है। प्रतिजन प्रतिरक्षी के प्रतिजन प्रतिरक्षी के साथ सक्रिय होगा तो प्रतिजन प्रतिरक्षी सक्रिय क्रिया करेगा और प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। इस प्रकार ये पूरा प्रतिजन प्रतिरक्षी के साथ पूरा का पूरा अंग नहीं जुड़ता, केवल कुछ अंश ही जुड़ता है। ये जो जुड़े हुए अंश होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंटीजन निर्धारक कहते हैं, जहां वो जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ। आप आगे देखें, ये आपको पूरा एंटीजन की प्रतिरक्षी के बारे में, प्रतिजन के बारे में, एंटीजन के बारे में बताना है, समझाना है। आगे इसमें आपको पता चल गया कि प्रतिजन प्रतिरक्षी के साथ जहां जुड़ता है पूरे अणु के रूप में नहीं जुड़ता, केवल कुछ अंश के रूप में जुड़ता है। इस जुड़े हुए अंश को क्या कहते हैं? एंटीजन निर्धारक कहते हैं। आगे लिखा प्रोटीन में करीब, क्योंकि ये प्रोटीन के बने होते हैं तो प्रोटीन में करीब, प्रोटीन में करीब 6 से 8 एमिनो अम्ल प्रोटीन में करीब 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला श्रृंखला एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला एंटीजन निर्धारक के रूप में एंटीजनी निर्धारक के रूप में एंटीजनी निर्धारक के रूप में कार्य करती है।
के रूप में कार्य करती है। एमिलोग्लो की श्रृंखला एमिलियन निर्धारक के रूप में कार्य करती है। एक प्रोटीन के प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक कई एंटीजनी एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। इनकी संख्या को ये जो एंटीजन निर्धारक होते हैं इनकी जो संख्या है वो संयोजकता कहलाएगी एंटीजन की। इनकी संख्या को इनकी संख्या को इनकी संख्या को एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। एक जो प्रोटीन ये जो चक्ष होते हैं प्रोटीन में 8 से लेकर 8 एमिनो की एक श्रृंखला होती है। यह श्रृंखला एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य करती है। एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक होंगे। इनकी जो संख्या है कई जो एंटीजन निर्धारक होंगे उनकी जो संख्या है वो एंटीजन की संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाएगी? एंटीजन की संयोजकता कहलाती है। अधिकांश जीवाणु में एंटीजन की संयोजकता 100 या उससे अधिक हो सकती है। अधिकांश जीवाणुओं में एंटीजन संयोजकता अधिकांश जीवाणुओं में एंटीजन संयोजकता 100 या उससे अधिक 100 या उससे अधिक हो सकती है या उससे अधिक हो सकती है। ये आपका प्रतिजन है पूरा। इसमें प्रतिजन एक बाह्य कारक होता है, एक रोगाणु होता है जो शरीर में बाहर से प्रवेश करता है। इसका जो आणविक द्रव्यमान या आणविक जो भार होता है वो 6000 डाल्टन या उससे ज्यादा होता है। दूसरी बात है, जब ये तो शरीर से बाहर प्रवेश करते हैं, कभी कभी स्थिति क्या होती है कि प्रतिजन हमारे शरीर में स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। हमारे शरीर जो कोशिकाएं वो प्रतिजन की तरह कार्य करती है। कैसे? जैसे वायरस संक्रमण होता है या ये कहिएगा जैसे कैंसर ग्रसित कोशिकाएं शरीर के अंदर स्वतः ही उत्पन्न होती है और प्रतिजन की तरह कार्य करती है। जब प्रतिजन शरीर में प्रविष्ट होता है तो सबसे पहले उसका जो सामना होता है वो होता है स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसके द्वारा, उसके साथ होता है। उसके बाद फिर दोबारा जब स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र से उसका सामना होता है तो उसके बाद जो प्रतिक्रिया होती है वो होती है विशिष्ट प्रतिरक्षा के साथ प्रतिजन का सामना होता है। तो इन दोनों के मध्य प्रतिक्रिया होती है। तो पूरा प्रतिजन प्रतिरक्षी के साथ अणु के रूप में संयुक्त नहीं होता, उसका कुछ अंश ही जुड़ता है, संयुक्त होता है, जुड़ पाता है। ये जुड़ने वाला जो अंश होता है उसे क्या कहते हैं? एंटीजन निर्धारक कहा जाता है। जो उसके साथ जुड़ता है, संयुक्त होता है, एंटीजन निर्धारक कहते हैं। ये जो एंटीजन निर्धारक होता है ये प्रोटीन से निर्मित होते हैं। अब इस आगे की जो प्रोसेस होता है इसमें यही है कि ये प्रोटीन जो होते हैं वो कई एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। 6 से 7 एमिनो अम्ल जो है वो एक एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य करते हैं। एक
होने में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं और इनकी जो संख्या है वो एंटीजन संयोजकता के नाम से जानी जाती है। और एक जीवाणु में अधिकांश जीवाणु उत्पन्न एंटीजन जो संयोजकताएं हैं उनकी संख्या 100 या उससे भी अधिक हो सकती है। ये आपका प्रोविजन वाला टॉपिक है। अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका प्रतिरक्षी, जिसके बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।